यार मैं यार वैसे भी बहुत ही आई एम अ वेरी स्ट्रेस फ्री पर्सन, मतलब मैं हमेशा अपने अकाउंट्स भी मैं हैंडल नहीं करता हूँ. आई प्रेफर कि ये सब झंझट यू नो मेरे अकाउंटेंट्स और ये सब ही करे. सो मैं ये सब स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं हूँ लाइफ में कि सर्विस टैक्स GST ये वो करके. आई थिंक अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है तो ढंग के कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा. तो बस अभी हम इसका कुछ यू नो विरोध तो कर नहीं सकते यार. ऐसा भी नहीं कि GST बिना भरे हम काम कर सकते. सो rather than cribbing, just enjoy and जो भी है उसे साथ में लेकर चलो. I think my accountant said that देना है तो सबको देना है. If it is good for people, it will be good for you. So आपको अलग से टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं अकेली क्यों हाहाकार करूँ? कुछ भी हो रहा है बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग whether ये अच्छा है कि बुरा है, मतलब लोगों को एक वो हो गया कि पैनिक करो, पहले पैनिक कर लो. So let's see. आई मीन इफ़ वी हैव चोजन मोदी टू बिकम आवर गवर्नमेंट तो उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट तो मुझे लगता है करना पड़ेगा बिफोर सर पीटो. फ्रेंकली ये टैक्स वैक्स तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी CA से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आगे जाके ये GST जो है वो देश के लिए और हम सब के लिए अच्छा होने वाला है. थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद एक आध साल लगेगा इसको समझते और थोड़ा सा रूटीन में आते हुए, लेकिन एक बार अगर डे टू डे लाइफ में ये आ जाएगा तो हमारे देश के लिए और सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा. देखिए अभी सच देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमें पता है कि हमारी जो आबादी है उसके सामने कितने परसेंट लोग टैक्स एक्चुअल जमा करते हैं. तो देश कैसे चलेगा अगर हर कोई टैक्स की चोरी करेगा या टैक्स नहीं भरेगा? हम प्रशासन को गाली देते हैं कि भाई ये, पर प्रशासन आके करेगा क्या? अगर सब लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन कुछ कर सकता है, लेकिन आई थिंक परसेंटेज वाइज कुछ 2-3% पूरे हमारी जो आबादी उसमें से टैक्स भरती है. तो ऐसे कैसे देश? आई एम जस्ट मेकिंग एन इनवॉइस ऑन दैट. सो देयर्स आई मीन व्हाट डू वी से, यू नो, इट्स द गवर्नमेंट हु टेक्स द कॉल एंड वी हैव टू गो एंड अबाइड द लॉ, यू नो. या थैंक यू. GST थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है हम अभी सभी के लिए. चीज़ें अभी धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो पता चलेगा कि यह दरअसल है क्या. मेरे ख्याल से कुछ मामलों में अच्छा भी है और कुछ मामलों में बुरा भी हुआ है. बड़ा मिला जुला सा असर है. We've already just billed our invoices also with the respective GST today. So yeah, I'm not here to discuss politics. I'm not here to discuss general outcome because फिर बहुत सारा time लग जाएगा. Let's just talk about gold and entertainment. Thank you. एक policy है यार धीरे-धीरे जनता का पैसा हड़पने की. पहले नोटबंदी, उसके बाद फिर GST, फिर पता नहीं कौन सी टी आएगी. तो ये आई थिंक सो हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे पहले कि ये कभी अच्छी बात नहीं, ये लागू नहीं हो सकता, और अब कह रहे हैं कि ये बेस्ट चीज़ है. ये जनता के हाथ में, जनता जवाब नहीं मांगती है. यूनाइट होगी और जवाब मांगेगी, रोड पे निकलेगी तो फिर होगा, वरना अब तो व्यापारी जो सरकार का प्रशासन का विरोध करते हैं उनको भी पुलिस लकड़ियों से लाठियों से मारती है. तो मतलब अब तो आवाज़ उठा. अबाउट GST, वेल अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कुछ हमारे भले के लिए सो डेफिनेटली हमारा भला ही होगा. आई एम श्योर बहुत सारे लोग काफ़ी नाराज़ है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, इवन एवरीथिंग, यू नो. सो आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट ने हमारे अच्छे के लिए सोचा है सो इट बी फॉर द गुड. सो आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हाउ इज़ इट गोइंग, यू नो. वी शुड हैव सम पेशेंस एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. मैंने तो यही बोला है कि मेरे पर्डे के ऊपर GST दे दो, मेरी शॉपिंग छोड़ दो, मेरा स्पा का खर्चा छोड़ दो. इट्स नाइस. ऑफ कोर्स यू नो इनिशियली लाइक हाउ 2000 का जो नोट आया था उसमें प्रॉब्लम हुआ, कैश को लेकर प्रॉब्लम हुआ. तो इनिशियली एवरीबडी विल हैव प्रॉब्लम इन लेटर ऑन, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, बट फॉर दैट 1-3 डेज सेल वाज नाइस. या ओके, थैंक यू.
आई थिंक इट्स फाइन यार, इट्स अ होल न्यू एरा दैट इज कमिंग अप आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इज कम अप, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट एनीथिंग दैट कम्स अप, वी शुड नॉट बी टू क्रिटिकल इन द स्टार्ट, लेट अस सी हाउ इट गोज, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. Yeah, like Mohsin said, we should not be so critical in the start, we should wait. What's your views on that? Okay, I don't, you know, so I am, I believe in the nation and I believe in the nation's leader. So I think, let's see, let's wait some years to see how it is implemented. भाई जीएसटी ने ऑनेस्टली जीएसटी के बारे में मुझे पिछले कुछ 5-6 महीने से पता था कि वो लागू होगा, पहले वो कह रहे थे कि जून में जून जुलाई तक आ ही जाएगा, सो अब फाइनली 18% पे सर जी ने लॉक कर दिया. और ऑनेस्टली कहूँ तो जब ये जीएसटी प्रपोजल आया था और जब इसकी बातें चल रही थी तो हमें बताया गया था कि जितने भी सारे आपके टैक्सेस हैं उनको माइनस करके रिड्यूस करके एक टैक्स बनाया जाएगा जो हमारे लिए शायद फायदेमंद होगा. आई एम सॉरी लेकिन अब तक तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमारी नॉर्मल पब्लिक के लिए, एंड आई जस्ट होप कि ओवर टाइम ये फायदेमंद हो, बट फिलहाल इन द इमीडिएट व्यू जीएसटी बिल्कुल फायदेमंद नजर नहीं आ रहा क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है. सो आई रियली होप एंड प्रे दैट इट गोज़ वेल. चीज़ क्या चीज़ काफ़ी महंगा हो चुका है सब सामान, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो लेकिन इट्स ओके, आई थिंक गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया होगा और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को फायदा होगा. आई वुड से इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर द एक्टर्स बिकॉज जो सर्विस टैक्स था वो सिर्फ कम कटेगा, सो इट्स गुड फॉर द एक्टर्स, आई एम हैप्पी. सी फॉर एक्टर्स इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, वी वर एनीवे पेइंग दैट मच ओनली, सो as an actor I don't really, it doesn't bother me, but I think in the longer run it is a good decision. Yaar main yaar वैसे भी बहुत ही आई एम अ वेरी स्ट्रेस फ्री पर्सन, मतलब मैं हमेशा अपने अकाउंट्स भी मैं हैंडल नहीं करता हूँ, आई प्रेफर कि ये सब झंझट यू नो मेरे अकाउंटेंट्स और ये सब ही करे. सो मैं ये सब स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं हूँ लाइफ में कि सर्विस टैक्स जीएसटी ये वो करके. आई थिंक अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है तो ढंग के कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा, तो बस अभी हम इसका कुछ यू नो विरोध तो कर नहीं सकते यार, ऐसा भी नहीं कि जीएसटी बिना भरे हम काम कर सकते, तो रादर देन क्रिबिंग जस्ट एन्जॉय एंड जो भी है उसे साथ में लेकर चलो. आई थिंक माई अकाउंटेंट सेड दैट देना है तो सबको देना है, इफ़ इट इज़ गुड फॉर पीपल इट विल बी गुड फॉर यू, सो आपको अलग से टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं अकेली क्यों हाहाकार करूँ, कुछ भी हो रहा है बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग वेदर ये अच्छा है कि बुरा है, मतलब लोगों को एक वो हो गया कि पैनिक करो, पहले ही पैनिक कर लो. सो लेट्स सी, आई मीन इफ़ वी हैव चोजन मोदी टू बिकम आवर गवर्नमेंट तो उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट तो मुझे लगता है करना पड़ेगा बिफोर सर पीटो. फ्रैंकली ये टैक्स वैक्स तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी सीए से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आगे जाके ये जीएसटी जो है वो देश के लिए और हम सब के लिए अच्छा होने वाला है. थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद एक आध साल लगेगा इसको समझते और थोड़ा सा रूटीन में आते हुए, लेकिन एक बार अगर डे टू डे लाइफ में ये आ जाएगा तो हमारे देश के लिए और सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा. देखिए अभी सच देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमें पता है कि हमारी जो आबादी है उसके सामने कितने परसेंट लोग टैक्स एक्चुअल जमा करते हैं, तो देश कैसे चलेगा अगर हर कोई टैक्स की चोरी करेगा या टैक्स नहीं भरेगा. हम प्रशासन को गाली देते हैं कि भाई ये, पर प्रशासन आगे करेगा क्या, अगर सब लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन कुछ कर सकता है, लेकिन आई थिंक परसेंटेज वाइज कुछ 2-3% पूरे हमारी जो आबादी उसमें से टैक्स भरती है, तो ऐसे कैसे देश चल सकता है. जीनी जी आप यहाँ हैं लेकिन दया मिसिंग है और शो से भी काफ़ी दिनों से थोड़ा कम उन्हें देख पा रहे हैं, तो क्या आप भी मिस करते हो उनसे? हाँ जी बिल्कुल, अरे इतना लंबा एसोसिएशन है तो डेफिनेटली, बट शी डिजर्व्स अ ब्रेक और आप सब जानते हैं क्यों उनका ब्रेक है, तो बस वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड होप शी रिटर्न्स हेल एंड हार्टी अगेन. थैंक यू.
राइटली फॉर द ओकेजन गोल्ड अवार्ड्स है तो मैंने सोचा गोल्ड ही पहन लेती हूँ. एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज ग्रेट यार. अवार्ड्स मेरे लिए एक मौका होता है. आई एम लुकिंग देयर एट द कैमराज एंड टॉकिंग. सो अवार्ड्स एक मौका होता है मेरे लिए जहाँ पर मैं अपने दोस्तों से मिल पाती हूँ. नो शूटिंग स्केड्यूल्स इतने हेक्टिक होते हैं दैट वी डोंट गेट टाइम टू मीट ईच अदर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम एंड आई एम परफॉर्मिंग. Hey, hi, how are you? आई एम परफॉर्मिंग थैंकफुली. इस बार मेरे गाने बहुत अच्छे हैं. मुझे ना दुर्गा माँ बनाया है, मुझे काली माँ कुछ नहीं बनाया. मैं डांस करने वाली हूँ. आई एम डांसिंग टू ऑल द पार्टी सॉन्ग. सो बहुत ही अच्छे गाने हैं. अरे अभी तो आया है शो, नेक्स्ट ईयर देखते हैं. सो माई अवार्ड इज दैट आई एम डांसिंग ऑन स्टेज. या वेल आई एम जस्ट मेकिंग एन इनवॉइस ऑन दैट. सो there's I mean what do we say, you know, it's the government who takes the call and we have to go and abide the law, you know. Yeah, thank you.